तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रूप है। और आज मैं साउथ की मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है जैकपॉट। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको ऐसा क्या नया दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा फैंटेसी। और इस मूवी को IMDb पे 5.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की, और गूगल यूजर ने इसे 81% के स्कोर दिए। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एस कल्याण ने, और इस मूवी की कास्ट में आपको देखने को मिलेगी रवीति, ज्योतिका, योगी बाबू। और ये मूवी भाई एक एवरेज मूवी होने वाली है भाई। इस मूवी की स्टोरी यूनिक है और बढ़िया भी है, और ये मूवी भाई आपको एंटरटेन तो करती है लेकिन भाई आपको इम्प्रेस नहीं करती। और अगर कैरेक्टर की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई कैरेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और इस मूवी की भाई स्टोरी राइटिंग भी बहुत बढ़िया है। और मूवी की अगर हिंदी डबिंग की बात करें ना, तो भाई मूवी की हिंदी डबिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है। और अगर मूवी का प्रेजेंटेशन की बात करें ना, तो भाई मूवी का प्रेजेंटेशन मुझे बहुत बढ़िया लगा। और अगर इस मूवी में कॉमेडी की बात करें ना, तो भाई कॉमेडी बहुत अच्छी है जो आपको भाई बहुत हंसाती है। और मूवी में भाई कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की गई है, और मूवी की जो स्टोरी है ना वो भाई लॉजिकली आपको समझाया जाता है कि यार एक्चुअली मूवी में चल क्या रहा है। और ये पूरी मूवी ना भाई एक बर्तन के इर्द गिर्द घूमती है, और उस बर्तन में भाई ऐसी क्या खास बात है, या कोई खजाना है, या कोई भाई खजाने की चाबी है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और ये मूवी ना भाई आपको कहीं बोर नहीं करती। और इस मूवी में योगी बाबू का जो कैरेक्टर ना, जब भाई उसकी एंट्री होती ना भाई देखने लायक है। और भाई इस मूवी से मुझे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन भाई इस मूवी को देखने के बाद मैं एंटरटेन हुआ, और ये मूवी भाई मुझे पसंद आई, और इस मूवी को मैंने बहुत एंजॉय भी किया। और अगर इस मूवी में स्टोरी पे आया ना, तो इस मूवी में रवीति और ज्योतिका का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और ये दोनों ना भाई लोगों को कैसे उल्लू बनाते हैं, उनको ठगते हैं। और जब भी भाई वो पैसे कमाते हैं ना, तो अपनी लाइफ एंजॉय करने में लग जाते हैं, लेकिन जब वो हॉल जाते हैं ना सिनेमा हॉल मूवी देखने, तो वो ना एक भाई पुलिस वाले को मार देते हैं, और कैसे भाई वहां से फिर जेल पहुंच जाते हैं। और फिर जेल पहुंचने के बाद ना भाई वहां पे वो एक औरत की मदद करते हैं, और वो औरत ना भाई इन दोनों को एक अच्छा पर्सन समझ के ना एक राज की बात बताती है उस बर्तन के बारे में, और वो बर्तन उसने कहां छुपाया है, इसी के इर्द गिर्द ये पूरी मूवी होने वाली है। और अगर इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें ना, तो इस मूवी में जो आनंद राज का कैरेक्टर ना, वो भाई एक राइस मिल चलाता है, और उसके आंगन में ना भाई खजाने के बराबर एक बर्तन छुपा होता है, और जब वो बर्तन उसको मिलता है ना, तो भाई वो उसको क्या करता है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और मूवी में भाई ज्योति और रवीति का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और ये दोनों ना ठग होते हैं, और भाई उस बर्तन को निकालने के चक्कर में ना वो भाई किस हद से गुजर जाते हैं, और लास्ट तक भाई वो बर्तन उनके हाथ लग पाएगा या नहीं, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और इस मूवी में भाई आपको एक तांत्रिक का भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जब भी भाई वो तांत्रिक किसी से बात करता है ना, अगर वो सीधे मुंह बात नहीं करता या उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता, तो भाई वो अपने डमरू से कैसा श्राप देता है, और वो डमरू बजा के ना भाई लोगों की किस तरह हालत बुरी कर देता है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और इस मूवी का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, क्लाइमेक्स भाई सब बढ़िया है। ये मूवी भाई एक बार जरूर विजिट कर लेना भाई, मिस मत करना इस मूवी को। और मूवी में भाई उस बर्तन की स्टोरी तो नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन भाई उस बर्तन से ना भाई एक बंदा कैसे अमीर हो जाता है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और ये मूवी भाई आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। इस मूवी में कोई गाली गलौज, कोई एडल्ट सीन नहीं है। और अगर ये मूवी आपने देखी है ना, तो भाई आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस मूवी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।